संवैधानिक व्यवस्था, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे डटकर मुकाबला अगर नहीं करेंगे तो एक तानाशाही व्यवस्था ही नहीं लेकिन हमारे देश के अंदर उससे भी बुरा एक फांसीवादी रुझान के साथ ये देश चलाने की जो कोशिश है वो खतरा सामने आएगा। तो इसलिए हमारी अपील सबसे और खास तौर से उन पार्टियों जिन्होंने अभी तक इसका खंडन नहीं किया उन पार्टियों से है कि आप समझ लीजिए आज दिल्ली सरकार के साथ हो सकती है, कल को हो सकता है केंद्र की सरकार हो जहाँ पर हमारी सरकार हो या अब राजस्थान की पार्टी जी की बजाय कांग्रेस की सरकार है हिमाचल की या आपके रीजनल पार्टी की सरकारें जो है उड़ीसा में आंध्र में और तेलंगाना में या तमिलनाडु में, इन सब के लिए ये एक खतरा है कि जो भी विपक्षी पार्टी का सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये मुझे पता है, इसको रोकना है। तो हमारी अपील सबसे है खासतौर से बड़ी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, आप आइए यहाँ पर सब मिलकर हम जो है संविधान की रक्षा करें और जो इस संविधान को उल्लंघन की बात करी है इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं सर उनके खिलाफ जुटकर मुकाबला, ये है जो मेन मुद्दा। और यहाँ पर हमारी पूर्ण सहमति केजरीवाल साहब से उनकी सरकार से और इस अधिवेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्णता।